शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंच कोश न वा पाणिपादं न चोपस्कपायु चिदानंद रूपा शिवो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो एक लूजर की तरह जिए, लेकिन जाने अनजाने में इंसान ऐसी आदतों को अपनाता है जिसके कारण इसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में बहुत बुरा होता है। बुरी आदतों की शुरुआत करो उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सबसे पहली, नहीं नहीं नहीं, इसको मैं पहली आदत नहीं बोलूंगा, इसको मैं 5 स्टार बुरी आदत बोलूंगा। लोग टोबैको और अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि आज वर्ल्ड में एवरी 6 सेकंड एक बंदा मर रहा है जिसका कारण है टोबैको से होने वाला कैंसर। इंडिया में मैं बात करूं तो मरने वाले 1 लाख लोगों में से 12 लोग सुसाइड की वजह से मरते हैं और उतने ही 12 लोग मरते हैं टोबैको से होने वाले कैंसर की वजह से। सो आप जान सकते हो कि अगर आप टोबैको का कंजप्शन कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो या फिर गुटखा खा रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपनी सुसाइड प्लान कर रहे हो। इस वीडियो को देखने वाले में से आधे से ज्यादा लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे बिकॉज हम किसी भी चीज पे ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हम मोबाइल के इतने ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि कोई भी हम काम कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम हमारे मोबाइल को देखते रहते हैं और बढ़ते हुए मोबाइल के यूजेस की वजह से आज पोर्न को एक्सेस करना भी बहुत आसान हो गया है और इसी के कारण हमारा देश पोर्नोग्राफी कंज्यूमर में आज नंबर 3 पे बैठा हुआ है। पोर्न के ज्यादा कंजम्पशन की वजह से ये देखा गया है कि बहुत सारे मेल आज इरेक्टाइल डायफंक्शन नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ पोर्न आपके मन में अननेचुरल थॉट्स तो पैदा करता ही है लेकिन आपका बिहेवियर भी उसके कारण अनकंट्रोलेबल हो जाता है जिसके कारण आज हम रोज सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप जैसे न्यूज सुनते ही रहते हैं। आज हमारा देश सेकेंड स्टेज डायबिटीज में नंबर 1 पे बैठा हुआ है। सेकेंड स्टेज डायबिटीज वो डायबिटीज है जो आपकी लाइफ में से 10 साल कम कर सकता है और ये सेकेंड स्टेज डायबिटीज होने का कारण है हमारी डाइट। बिकॉज एक स्टडी में मैंने पढ़ा था कि हम इंडियंस 15 टीस्पून शुगर डेली कंज्यूम करते हैं जबकि WHO के अकॉर्डिंग 5 से ज्यादा चम्मच शुगर कंज्यूम करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है जिसके कारण मोटापा और उसके जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां आज कॉमन हो गई है। तो होता क्या है कि हमारा दिमाग एनर्जी सेव करने के तरीके ढूंढता रहता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं जैसे कि कपड़े पहनना या फिर शूज की लेस बांधना या फिर खाना खाना तो इसका जो पैटर्न है वो हमारा दिमाग जान लेता है। इस पैटर्न को हमारा दिमाग बेसल गैंग्लिया नाम का एक पार्ट होता है दिमाग में उसमें स्टोर कर लेता है। इसके कारण होता क्या है कि जब हम नेक्स्ट टाइम ये चीज करते हैं तो हमें ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता और इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अब देखते हैं हमें बुरी आदत की लत कैसे लगती है। आदतों का भी एक लूप है जिसको हम आदतों के चक्र भी बोलते हैं जिसमें 3 स्टेप है, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। आसान भाषा में समझाओ तो जिस तरह से हमें भूख लगती है ये हो गया हमारा ट्रिगर। उसके बाद हम क्या करते हैं, खाना खाने जाते हैं तो ये हो गया हमारा रूटीन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जब खाना हमें मिल जाता है तो हमें खुशी होती है और ये हो गया हमारा रिवॉर्ड। एग्जाम के तौर पे बताओ तो जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम क्या करते हैं, सिगरेट पीने के बारे में सोचते हैं और सिगरेट पीने के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम दुकान पे जाते हैं और ये हो गया हमारा रूटीन। और इसके बाद हमें क्या मिलता है, मजा आने लगता है, हमारा स्ट्रेस रिलीफ होता है तो ये हो गया हमारा रिवॉर्ड। इसी तरह से ये आदतों का लूप चलता ही रहता है। तो किसी भी हैबिट को तोड़ने के लिए आपको इस लूप को तोड़ना पड़ेगा। जब भी आपको सिगरेट पीने का मन करे तो आप दुकान पे ना जाओ, उसकी जगह पे कहीं पे वॉक पे चले जाओ या फिर किसी से बात करने लगो। तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रिगर तो होगा लेकिन क्योंकि आप उसके रूटीन और रिवॉर्ड को चेंज कर रहे हो तो धीरे धीरे करके आपके मन में ये पैटर्न चेंज होने लगेगा। और कोई भी बुरी आदत हमें इसलिए लग जाती है क्योंकि वो शायद आसान होती है जिसमें हमें बहुत मजा आता है या फिर वो बहुत ईजी होती है। सो आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई बुरी आदत से भी छुटकारा पाना है तो उसको डिफिकल्ट बनाना होगा। आप 4-5 सिगरेट अपने साथ कैरी मत करो, एक ही सिगरेट कैरी करो और जब भी आपको पीने का मन हो आप सोचो कि मैं 2 किलोमीटर दूर जाके ही वहां पे खरीदूंगा। सो क्या होगा कि धीरे धीरे आपको ये डिफिकल्ट लगने लगेगा और डिफिकल्ट चीजें हमें हमारे दिमाग को पसंद ही नहीं है। इसके कारण आप धीरे धीरे करके इसके छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर ऑफ उबर एंड प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट टिम फेरिस कहते हैं कि अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो आप अपना बाकी का दिन भी जीत लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत गलत तरीके से करते हो तो आपका हर रोज, पूरा दिन और लॉन्ग टर्म में आपकी पूरी लाइफ दोनों बर्बाद हो सकती है। क्योंकि आप हर सुबह की शुरुआत में क्या करते हो उसी से ये डिसाइड होता जाता है कि आपका पूरा दिन भी किस तरह से बीतेगा। दोस्तों, ऐसी कुछ कॉमन छोटी दिखने वाली लेकिन बड़ी गलतियां हम में से अधिकतर लोग रोज सुबह करते हैं और वही 10 बैड मॉर्निंग हैबिट्स
हैबिट्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिन्हें आपको आज से ही छोड़ देनी चाहिए, जिसमें से पहली बैड हैबिट है ये। नंबर 1, स्नूजिंग द अलार्म। सुबह सुबह अपने अलार्म क्लॉक की आवाज सुनकर जब आपकी आंखें खुलती हैं और आप स्नूज बटन दबा के वापस सो जाते हो, तो जो आपके दिन का सबसे पहला काम था वो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है, यानी बात के लिए टल जाता है, जिससे कि दिन की शुरुआत में ही आपके माइंड में मोटिवेशन कम हो जाती है। और स्नूज बटन दबाने के बाद जब आप वापस सो जाते हो तो आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द स्लीप डिसऑर्डर सेंटर ऑफ प्रेस्कॉट वैली रॉबर्ट रोजनबर्ग कहते हैं, स्नूज बटन दबाने के बाद जब आप दोबारा सोने जाते हो तो आप और भी ज्यादा नींद में आ जाते हो। सुबह सुबह अलार्म क्लॉक की पहले रिंग से आंख खुलने के बाद ही सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपको उठ जाना चाहिए। अगर आप उसके बाद वापस सोकर फिर से उठोगे तो आपका माइंड और भी ज्यादा टायर्ड फील करेगा और पूरे दिन आपके अंदर कम एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है। नंबर 2, नॉट वेकिंग अप विद अ प्लान। बिलियनेयर जेफ बेजोस कहते हैं, आप हर दिन जितने भी छोटे बड़े डिसीजंस लेते हो उसमें कई सारी मेंटल एनर्जी लगती है, और जैसे जैसे आपका दिन बीतता जाता है आपकी ये एनर्जी कम होती जाती है। इसीलिए दिन के आखिर में आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, क्योंकि आपके माइंड ने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। इसीलिए जेफ बेजोस अपने दिन की शुरुआत कम से कम डिसीजंस लेने के साथ करते हैं, जहां वो हर सुबह उठकर ये सोचने में अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करते कि उन्हें आज पूरे दिन में क्या क्या करना है, बल्कि वो अपनी मॉर्निंग्स में उन सभी कामों को करते हैं जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा डिसीजंस नहीं लेने पड़ते। जैसे रोज सुबह आराम से अपने लिए कॉफी बनाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, इससे दिन में कई इंपॉर्टेंट टास्क के लिए उनके पास कई सारी मेंटल एनर्जी रहती है। इसीलिए एक दिन में आपको क्या क्या करना है उन सब का शेड्यूल रात को सोने से पहले बना लो, ताकि सुबह सुबह आपके दिमाग को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इससे आपका माइंड पहले से ही उस दिन के लिए रेडी रहेगा। नंबर 3, चेकिंग योर फोन। ज्यादातर लोगों के मॉर्निंग रूटीन का सबसे पहला काम अपना फोन चेक करना हो चुका है। IDC की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% लोग अपने सुबह के पहले 15 मिनट तो अपना फोन चेक करने में लगा देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। अब रोज सुबह सबसे पहले अपना फोन चेक करने से प्रॉब्लम यह है कि फोन उठाते ही हम कुछ ऐसा तो करते नहीं जिससे हमें अच्छा फील हो, या हम अपने दिन की शुरुआत करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड फील करें, बल्कि लोग अपने फोन में सुबह उठकर सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिससे उठते ही वो अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से सबकॉन्शियसली कंपेयर करने लगते हैं। उन्होंने सुबह सुबह जो कंटेंट कंज्यूम किया होता है वो सबकॉन्शियसली उनके मूड और दिन की टोन को डिसाइड कर देता है, जबकि आपको सुबह उठते ही किसी और के एक्सटर्नल थॉट को अपने दिमाग में नहीं घुसने देना चाहिए, बल्कि दिन की शुरुआत खुद के थॉट्स के साथ करनी चाहिए। इसके लिए आप सुबह के 1-2 घंटे तक बिल्कुल भी अपना फोन यूज मत करा करो, या उसे रात को सोने से पहले खुद से दूर रखा करो। नंबर 4, नॉट मेकिंग बेड। सुबह उठकर जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो है कि सबसे पहले अपना बेड सेट करो। दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सुबह आप जो भी काम करते हो वो आपके पूरे दिन के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप सुबह सुबह ही टायर्ड और लेजी फील करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तो आपका बाकी का दिन भी ऐसे ही गुजरेगा। वहीं अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना बेड बनाओगे तो ये एक छोटी सी हैबिट आपको एक वेल डिसिप्लिन पर्सन बनाएगी। अब बेड सेट करने से आपकी लाइफ बर्बाद तो नहीं होती, पर इसे करने से आपकी लाइफ बेटर जरूर हो सकती है, क्योंकि यही सेम हैबिट मिलिट्री में भी रोज करवाई जाती है। नंबर 5, नॉट ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को हर दिन 3-4 लीटर पानी की जरूरत होती है, बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 3-4 लीटर पानी आपको दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीना है, सारा एक साथ नहीं। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि आपने रात को एक अच्छी नींद ली, आप टाइम पर सो गए और सुबह जल्दी भी उठ गए, फिर भी आप पूरे दिन बहुत टायर्ड फील करते रहे? इसका मेन रीजन है कि आप डिहाइड्रेटेड हो। 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी आप अपने आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, यानी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि आपके एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है। सुबह सुबह आंखें खोलने से आपकी बॉडी बाहर से तो जग जाती है, बट अंदर से अभी भी सो रही होती है, और पानी पीने से आप अपनी बॉडी को अंदर से जगा देते हो, जो अपने सारे बॉडी फंक्शंस और ब्रेन को एक किक स्टार्ट देता है। नंबर 6, नॉट टेकिंग सनलाइट। रात में सोते हुए जरा सी लाइट भी आपकी नींद खराब कर देती है, क्योंकि लाइट आपकी नींद को गायब करने का काम करती है, और सुबह सुबह ताजी धूप लेने से आपके ब्रेन में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। मेलाटोनिन जो आपकी बॉडी में दिन और रात का हिसाब रखता है और आपके स्लीप शेड्यूल को मेंटेन रखता है, सेरोटोनिन आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और आपको ज्यादा काम, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाता है। हर सुबह सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए सनलाइट लेने से आपकी बॉडी पूरी तरह जग जाती है, आपको विटामिन डी का बूस्ट मिलता है और आपका मूड भी रेगुलेट हो जाता है। नंबर 7, गजलिंग शुगर व्हेन यू वेक अप।
सुबह उठकर चाय या कॉफी पीना हम सबकी आदत है। इसके बिना ज्यादातर लोगों की सुबह होती ही नहीं है। सुबह सुबह चाय या कॉफी पीने से आपके एनर्जी में एक बूस्ट आता है और आपकी नींद गायब हो जाती है। पर ये एनर्जी जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाती है, क्योंकि ये शुगर से मिलने वाली एनर्जी टेम्परेरी होती है, जिसके बाद आपको एक और कॉफी या शुगर वाली चाय पीने की जरूरत पड़ती है। और साथ ही कई स्टडीज ने ये बताया है कि ज्यादा शुगर अपनी बॉडी में डालने से आप टाइम के साथ और ज्यादा सैड फील करने लगते हो, और ज्यादा शुगर आपकी मेमोरी और फोकस को भी कमजोर कर देता है। पर सारी शुगर खराब नहीं होती। सुबह सुबह अपनी चाय या कॉफी में व्हाइट शुगर यूज करने से बेटर है कि आप हर सुबह फ्रूट्स खाओ, कुछ हेल्दी खाओ जिसमें नेचुरल शुगर होती है, और फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने में आपको चाय या कॉफी के मुकाबले ज्यादा टाइम लगता है, तो उससे जो एनर्जी आपको मिलती है वो दिन में ज्यादा देर तक टिकती है। नंबर 8, स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट। हम सब ने ये सुना है कि ब्रेकफास्ट हमारे दिन की सबसे इम्पोर्टेंट मील होती है। उसका रीजन यह है कि जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरती है, जो आपके बॉडी फंक्शंस को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद आपको कुछ भी करने की एनर्जी मिलती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप हर सुबह अपना नाश्ता जरूर करें, ताकि जब आप काम के लिए घर से निकले तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। और साथ ही एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं और रात में लाइट डिनर करते हैं, यानी सुबह ज्यादा खाते हैं और रात में कम, वो लोग बाकी लोगों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। नंबर 9, ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट। दोस्तों, कई लोग अपनी बैड ब्रेथ से बचने के लिए सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खाना खाने के बाद जो खाना उनके दांतों के बीच रह गया है वो उनकी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वो नाश्ता करने के बाद ब्रश करते हैं, जिससे उनके मुंह से पूरे दिन स्मेल ना आए। अब ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, बट ऐसा है नहीं। जब आप खाना खाते हो तो खाने में कुछ एसिडिक क्वालिटीज होती हैं, या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके दांतों की ऊपरी परत को कमजोर कर देती है, जिसके बाद जब आप अपने ब्रश से अपने दांतों को साफ करते हो तो आप अपने दांतों को और कमजोर कर रहे होते हो। तो आप तुरंत ब्रश ना करके सिर्फ पानी से माउथ वॉश भी कर लें तो वो आपके दांतों के लिए बेटर रहेगा। नंबर 10, नॉट गिविंग योरसेल्फ टफ चैलेंजेस। दोस्तों, अपने माइंड से टफ काम करवाने के लिए और ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस रहने के लिए आपको अपने माइंड को टफ काम को करवाने के लिए ट्रेन करना होगा, और ये होगा वो सभी काम करने से जिससे आपका माइंड नहीं करना चाहता, वो सभी काम जो अनकंफर्टेबल फील होते हैं, जिससे कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल पाओ और अपने माइंड और बॉडी से वो काम करवा पाओ जो आप करवाना चाहते हो। और सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, बाहर रनिंग के लिए जाना, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना एक सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल काम हो सकता है, जिसे सक्सेसफुली करने से ना ही आप अपनी बॉडी की हेल्थ को अच्छा कर रहे होते हो, बल्कि आपका माइंड भी दिन भर में और हार्ड वर्क करने के लिए प्रिपेयर होने लगता है। सुबह सुबह कोल्ड शावर करना, एक्सरसाइज करना, रीड करना, ये सभी आपके माइंड को पूरे दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे बैड हैबिट्स को क्विट कर सकते हैं। और वो बुरी आदत किसी भी तरह की हो सकती है, शराब की हो सकती है, चर्स की हो सकती है, सिगरेट की हो सकती है, नस्वार की हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, गंदी फिल्मों की हो सकती है, खुद लज्जती की हो सकती है, किसी भी तरह की बैड हैबिट हो सकती है। उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं और कैसे अपनी जान उससे छुड़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा गौर करें, थोड़ा सा इसका फार्मूला मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये किस मैकेनिज़्म पे काम करती है, ये किस मैथोलॉजी पे काम करती है, किस बैकेंड, ये किस लॉजिक्स पे काम करती है, कि हम जब किसी चीज़ के आदि हो जाते हैं तो हमें वो आदि बनाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप गौर करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपने करीब रखते हैं उस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है। 2 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को आदत करने के लिए। एक चीज़ ये कि वो चीज़ कितनी तो ईजी टू एक्सेस है, और दूसरी चीज़ उसके साथ जुड़ा हुआ मज़ा। मज़ा जो होता है वो हमारे जहन को मजबूर करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर वो चीज़ हमारे पास होगी तो हम फौरन से पहले उस चीज़ को पकड़ेंगे और अपने दिमाग के उस मैसेज के ऊपर एज इट इज़ ही काम कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माइंड हमारा रिएक्ट ना करे, इसको रिस्पॉन्ड करे, मतलब इस पर एक चेक ज़रूर लगाए, तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा अपने आप से दूर करना पड़ेगा। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फ़र्ज करें, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हमारा दिल करता है कोई गंदी फिल्म देखने को, किसी से गंदी बातें करने को। आजकल ये बड़ा चल पड़ा है कि फ़ोन पे आप किसी से भी गंदी बातें करना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें, अगर मेरा फ़ोन यहाँ है
मैंने फ़ोन उठाया और मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, और मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और मैंने उसको कॉल की है और हम दोनों जो हैं वो गंदी बातें करना शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर मेरा फ़ोन ये यहाँ की बजाय दूसरे कमरे में हो या किसी तीसरे कमरे में हो, तो मैं कोशिश यही होगी कि अगर मेरा दिल करेगा भी तो मैं इसको जल्दी ना पकड़ूँ। और इससे भी अच्छा होगा कि अगर मैं उस लड़की का व्हाट्सएप नंबर जो भी है डिलीट कर दूं, लेकिन इस सब डिलीट करने के बाद भी मेरा दिमाग बार बार मुझे कहेगा कि मुझे उस चीज़ को करना है। तो दो चीज़ें इसमें से मुझे करनी पड़ेंगी, एक चीज़ तो ये फ़ोन यहाँ से उठा के वहाँ रखना पड़ेगा और दूसरी चीज़ जो मेरे माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे इसके नुकसानात अपने दिमाग को दिखाने पड़ेंगे। ये तो उन लोगों के लिए हो गया कि जो लोग कहते हैं कि हम फ़ोन पे या तो गंदी बातें करते हैं या गंदी चीज़ें देखते हैं। देखिए, कॉन्शियसली आपने जो आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है ना, उसको उस चीज़ की सज़ा के साथ जोड़ना है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम मर्द जो हजरात जो होते हैं, इनके अंदर जो है वो औरत के बारे में जो है वो ख्यालात का सिलसिला ज़्यादा चलता है, वो औरत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपने भी देखा होगा कि मर्द हजरात, शादीशुदा मर्द जो होते हैं, वो जल्दी औरतों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जो अंजाम का इमेज होता है वो छोटा होता है, और जो मज़े का इमेज होता है, जो वक्ती लज्जत का इमेज होता है, वो बहुत बड़ा होता है। अगर मैं आपको अपनी सेल्फ एक चीज़ बताऊं, तो मैंने ख़ुद को कैसे जना से रोका, मैंने ख़ुद को कैसे जना से बाज रखा। मेरे माइंड में एक इमेज है, फर्ज करें अगर मैं किसी औरत के पास जाऊँगा, उस औरत के पास जाने के बाद मैंने अपने आप को, अभी मैं अपनी आंखों में अगर देखूं तो वो औरत से फारिग होके मैं आखिरत में जिस जगह पे जा रहा हूं, वो मैं ख़ुद को जलता हुआ देखता हूं आग में। तो ये जो जलने की आग है, ये मुझे डरा देती है, ये मुझे मेरी उस लज्जत को सज़ा में बदल देती है, ये मेरे मज़ा को सज़ा कर देती है। सो ये चीज़ हमें समझनी बड़ी ज़रूरी है कि अगर हम मज़ा को सज़ा कर देंगे तो माइंड कभी भी वो काम नहीं करता कि जिसमें इसको सज़ा मिले। ये हमें सज़ा से बचाने के लिए बनाया गया ना, लेकिन अभी कॉन्शियसली उसको मज़ा बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, सज़ा नहीं अट्रैक्ट कर रही। हमने कॉन्शियसली मज़ा को सज़ा कर देना है, और जो सज़ा है वो तो उससे तो हमने अपने आप को बचाना है। तो अब यही चीज़ हम नसवार में करते हैं कि जो लोग नसवार करते हैं, नसवार ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप उन लोगों को उठा कर देख लें, उनकी हिस्ट्री को उठा के देख लें, तो क्या होगा, उनकी जेब में नसवार का पैकेट होगा, नसवार का पैकेट होगा, वो निकालेंगे नसवार, रखेंगे और कहेंगे जी नसवार छोड़नी है। ऐसे नसवार नहीं छूटेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नसवार निकालें अपनी जेब से और नसवार आपने हार्ड टू एक्सेस कर देनी है कि ये मुश्किल हो जाए आपकी जेब में जो है वो नसवार ना हो। आपने जब भी नसवार लेनी है, आपने किसी फलां दुकानदार के पास जाना है जो दूर तरीन है, उसके पास जाना है, एक चुटकी नसवार लेनी है और उस कोशिश करें कि एक चुटकी नसवार में थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल दें, और अब आप इसको रखें, आपको मज़ा नहीं आएगा, यकीन करें नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि वो नसवार आपको मज़ा नहीं देगी। दो चीज़ें होगी ना, एक तो हार्ड टू एक्सेस होगी और दूसरी चीज़ मज़ा नहीं, अब वो आपको सज़ा दे रही है, तो आप बार बार नहीं पियेंगे, आप बार बार उसको नहीं खाएंगे। तो अब जब आपने नसवार का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले एक सवाल अपने आप से करना है कि क्या मेरी नसवार में नमक है। अगर आपकी नसवार में नमक है तो ये आपको जो है वो सज़ा देने वाली है, मज़ा नहीं देने वाली। एक बार करेंगे आप, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप इसको छोड़ देंगे। यही चीज़ आपने सिगरेट की बैड हैबिट में करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा अक्सर लोग सिगरेट की डब्बी अपनी पॉकेट में जो है वो सजा के रखते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने केसेस खरीद रखे हैं, सिगरेटें ऐसे अंदर लगा के रखी हैं, ऐसे केस खोलते हैं, पता नहीं कोई जो बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कोई तीस मार मतलब कोई तीर मारने लगे हैं कि जी सिगरेट लगाएंगे और धुआं आपके मुंह पे ऐसे फेंकेंगे कि तो बड़ा यार इन्जॉय हो रहा है। तो भाई प्लीज़ अपना भी ख्याल करो और अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल करो। आपने भी जब भी सिगरेट खरीदना है, एक ख़रीदना है, और जब आपने सिगरेट खरीदना है तो कोशिश करनी है कि आपने आधा वहीं तोड़ के फेंक दें।
एक दो बार जब आपके सिगरेट का नुकसान होगा, आपको ज़रा थोड़ा सा दिल को होगा और वो चीज़ उतना इंजॉय नहीं कराएगी जितना वो करवा रही है। तो इंजॉयमेंट जब ख़त्म हो जाएगी, मज़ा जब ख़त्म हो जाएगा, तो सज़ा आ जाएगी, फिर वो चीज़ आपको उतनी अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो अट्रैक्शन को अगर आपने ख़त्म करना है तो फिर उसमें थोड़ी सी सज़ा जोड़ दें। अब इसी तरह की एक मिसाल है गर्लफ्रेंड्स के सिलसिले में कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग गर्लफ्रेंड्स के चक्रों में पड़े हुए हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाई हुई हैं और हम उनको नहीं छोड़ पा रहे। हमें भी पता है वो गलत है, हमें भी पता है वो लड़की लड़का हमारा इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी हम इस्तेमाल होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें, हार्ड टू एक्सेस कर दें, नंबर डिलीट कर दें, व्हाट्सएप डिलीट कर दें, सारा कुछ उसका डिलीट कर दें, हार्ड टू एक्सेस हो गया। अब इस पर डिटेल वीडियो मेरी बनी हुई है, हाउ टू फॉरगेट समवन, वो भी मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, हार्ड टू एक्सेस कर दें। दूसरी चीज़ ये कि उसके साथ जो लम्हे गुजारे हैं वो मज़ा नहीं दिए आपको, सज़ा कर दें कि जी मुझे कोई मज़ा नहीं आया यार, वो उसके साथ बैठ के मेरा अल्लाह ही नाराज़ हुआ। जो कुछ उसके नुकसान आपके अंदर जहन में हैं वो सारे अपने आपको कॉन्शियसली कहते रहें, कहते रहें, कहते रहें, कहते रहें। एक दिन कहेंगे, दो दिन कहेंगे, तीन दिन कहेंगे, चार दिन कहेंगे, लगातार 21 दिन तो कम से कम कहें, उसके बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि याद आई तो फ़ौरन व्हाट्सअप इंस्टॉल करके उसको मैसेज कर दिया और मुझे तुम्हारी याद आ रही है, फिर तो वो आप पे और चढ़ाई करेगा, फिर तो वो आपको और इस्तेमाल करेगा। सो कॉन्शियसली कहते रहना है, बी स्टैंड, स्टैंड के साथ स्टैंड होके एक फैसला करके अपने कहना है कि यार नहीं, बस इनफ इज़ इनफ, ये मुझे अब नहीं करना, मुझे इस तरफ अब नहीं जाना, ये मेरे लिए बर्बादी है। और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, अब जो भी चीज़ आप गलत कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा रही है, आपके पास उसके नुकसानात की एक लिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। माइंड को पता हो कि यार इसका ये नुकसानात है, आपने नुकसानात को ज़्यादा देखना है, वक्ती फ़ायदे को कम से कम देखना है। जब आप ये चीज़ करेंगे ना तो कॉन्शियसली माइंड जो है ना वो देखता रहेगा, एक्सपीरियंसेस से सीखता रहेगा। जब आपने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा किया, वो एक्सपीरियंसेस बढ़ते रहेंगे। और आप जब कॉन्शियसली बार बार नुकसानात दिखाते रहेंगे तो दिमाग जो है वो नुकसानात देखेगा, उसके फ़ायदे नहीं देखेगा, वक्ती लज्जत नहीं देखेगा। फिर कोई भी चीज़ जो आपने न्यू अडॉप्ट करनी है, नई हैबिट जो आपने अपनानी है, उसको अपने नज़दीक कर दें, और जो हैबिट आपने छोड़नी है उसको अपना उसको अपने से दूर कर दें। पहली चीज़ हार्ड टू एक्सेस कर दें, दूसरी चीज़ मज़ा को सज़ा कर दें। ये दो चीज़ें हैं जो आपने करनी है कॉन्शियसली। तीसरी चीज़, आपने उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं, उसके नुकसानात आपको ज़्यादा हो रोज़ पढ़ने हैं। चौथी चीज़, उसके नुकसानात आप जगह जगह पे प्लेस करें कि यार जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे आज के दिन में क्या क्या कुछ करना है, तो मैंने उसको अपने एक जो रखा हुआ है ना, जो एक साइन बोर्ड है मेरा, उस साइन बोर्ड पे मैंने वहाँ लगा के रखा हुआ। अब यही चीज़ मेरे लैपटॉप पे भी होगी, यही चीज़ मेरे मोबाइल की गैलरी में भी होगी, मैंने इसके इमेजेस बना रखे हैं। तो जिस चीज़ को आपने छोड़ना है उसके नुकसान आप जगह जगह पे लगाएं, कॉन्शियसली आप अपने आप को डराएं कि यार ये करूँगा तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे बच्चे को डराते हैं ना आप, बिल्ली आ जाएगी सो जाओ तो वो सो जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपका माइंड डर की इमेज को पकड़ लेगा और उसको छोड़ना शुरू कर देगा। अल्दो के डर का इमेज आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर नहीं बिठाना, लेकिन इस चीज को निकालने के लिए यह डर का होना बड़ा जरूरी है। अपने साथ होने वाले हर बुरे इंसिडेंट्स को उस बुरी आदत के साथ जोड़ दें। माइंड जो है ना वो एसोसिएशंस पे काम करता है, वो डरता है फिर के, फर्ज करें मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, फर्ज करें आपने एक दिन सिगरेट पी और आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका रास्ते में पेट्रोल हो गया, खत्म। अब आपने क्या करना है, कॉन्शियसली अपने आप से कहना, ओ यार मैंने सिगरेट पी थी ना तो उस सिगरेट की वजह से मेरे दिमाग में था कि मुझे सिगरेट पीनी है, तो मैं सिगरेट को याद रखा और मैंने पेट्रोल डलवाना भूल गया और मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब अगले दिन फिर क्या हुआ, आपने फिर सिगरेट पी ऑफिस जाने से पहले और रास्ते में आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब बताएं आपका माइंड क्या सोचेगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होगा कि आपने प्लान कर लेना कि यार अब मैंने ऑफिस जाने से पहले सिगरेट नहीं पीनी। हर बुरी चीज़ के साथ उस बुरी आदत को जोड़ दें कि यार मैं अगर ये बुरा मेरे साथ हुआ तो ये उस बुरी आदत की वजह से हुआ है। और जिस दिन आपके अंदर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी, आपने छोड़ी वो आदत, और जिस दिन उस दिन जो जो अच्छा हुआ आपने उस बुरी आदत की वजह से कह देना कि यार ये मैंने बुरी आदत छोड़ दी ना, अब मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, इस चीज़ को समझो यार, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, थोड़ा टाइम लगेगी आपको समझने आने में। आपने एक दिन सिगरेट छोड़ दी,
उस दिन आपने अगर 3 वक्त का खाना भी खाया ना और आपने पेट भर के खाया, आपने कहना यार माशाल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने 3 वक्त का खाना खाया और ये सिर्फ उस सिगरेट छोड़ने की वजह से हुआ है, नींद अच्छी हुई अच्छा ये उस सिगरेट छोड़ने की वजह से, पानी ज़्यादा पिया अच्छा ये उस सिगरेट छोड़ने की वजह से, और खुद वैसे ही अपने आप से कहना कि अल्लाह तेरा शुक्र है एक दिन मैंने सिगरेट छोड़ दी। आप जितना कॉन्शियसली अपने आप को फ़ायदे दिखाते रहेंगे ना, माइंड उसके जो है ना खुद ब खुद ही आपको उस बुरी आदत से नीचे लाता रहेगा। माइंड लालच पे काम करता ना, इससे उसको फ़ायदा मिल रहा है। आप जो दिखा रहे थे वो वक्ती फ़ायदा था, वो वक्ती फ़ायदा था, अब ये प्रोलॉन्ग एक फ़ायदा मिल रहा है, इससे आपको फ़ायदा है, अभी भी फ़ायदा है और बाद का भी फ़ायदा है। तो जब इस जो है ना वो आप इस फार्मूले पे काम करेंगे, ये फार्मूला विद इन अ डेज आपको अमल करेगा और आप हैरान हो जाएंगे कि इसके इतने ग्रेट रिजल्ट्स इंसान को मिलते हैं कि मैंने खुद देखा है इसको ट्राई करके, इसको अपने आप पे इंप्लीमेंट करके, कि बुरी चीज़ को आप बुरी चीज़ के साथ जोड़ दें और जब उसको छोड़ें अच्छी चीज़ के साथ जोड़ दें, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये चीज़ मैं किस तरफ जा रहा हूँ। आजमाना ज़रूर है आपने, ये गारंटी के साथ है, ये फार्मूला 110% काम करता है, बहुत से लोगों पर लगाया। अब बात करते हैं बैकएंड पे माइंड में जो विजुअल्स बन गए हैं उनको कैसे रिप्लेस किया जाए, उनके साथ अंदर डर का इमेज कैसे डाला जाए, उसके नुकसानात का इमेज कैसे डाला जाए कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके क्या क्या नुकसानात मुझे मिलेंगे। ठीक है, जब हम कॉन्शियसली कर रहे होते हैं तो हम तो उसका फ़ायदा देख रहे होते हैं, नुकसान तो नहीं देख रहे होते। ऐसा कभी आपने देखा कि जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो फिर आपने वो डिब्बी पे देखा उसके तो कैंसर की तस्वीर बनी है, तो वो आपको कैंसर से ज़्यादा वो सिगरेट अट्रैक्ट कर रहा है ना। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि आपको डिब्बी भी ना देखनी पड़े और दिमाग में जब सिगरेट का ख्याल आए उसी वक्त वो कैंसर का ख्याल भी आ जाए कि यार ये तो कैंसर करती है, यार ये तो ये बीमारी करती है, यार ये तो ये बीमारी करती है, भाई इस बीमारी को दूर करो। इसी तरह नस्वार में हो, इसी तरह जना में हो, इसी तरह गंदी फिल्मों में हो, इसी तरह का आप किसी भी गलत काम के साथ जोड़ दें तो बताएं आप गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं आप करेंगे। दिमाग में ना अच्छा आपने देखा होगा अच्छे और बुरे इंसान में तमीज़ क्या होती है, जो अच्छा इंसान होता है ना जो नेकियां करता है वो जब कोई बुरा काम करने का सोचता है ना उसके दिमाग में सबसे पहला जो इमेज आता है कि मैं ये बुरा काम करूंगा मुझे अल्लाह इसके बदले में सज़ा देगा, क्योंकि उसके अंदर जो सज़ा का डर है ना वो ज़्यादा है। आपके अंदर भी अगर नुकसानात का डर ज़्यादा होगा ना तो आप कभी भी उसको उस तरह नहीं करेंगे। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी विजुअलाइजेशंस है, फ़र्ज़ करें आप जिस भी तरह का जो भी कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिकली एक विजुअलाइजेशन है कि आपने उस मज़े के इमेज के साथ आपने डर का इमेज जोड़ देना है कि जब आपने वो काम कर लिया फिर उसके बाद आपको उसकी सज़ा क्या मिलेगी। आपने उस सज़ा के इमेज को बार 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 सोचते रहना, वो सज़ा का इमेज बड़ा होता जाएगा, उस मज़े का इमेज छोटा होता जाएगा, और वो मज़े का इमेज जब छोटा हो जाएगा तो आप वो काम नहीं करेंगे क्योंकि दिमाग वो काम नहीं करता जिससे इंसान को नुकसान होता है। आई थिंक सो कि ये चीज़ें काफ़ी रहेंगी आपके लिए कि अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो ये चीज़ें आपको छोड़ने में काफ़ी हेल्प करेगी। अब विजुलाइजेशन की तरफ चलते हैं। सिंपली विजुलाइजेशन के लिए आप अपनी आंखें बंद करें, नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें। जो भी बुरी आदत है, जो भी आपकी बुरी आदत है, अब उसको आप कर चुके हैं, आपने ये देखना है कि आप वो काम कर चुके हैं। अब उस काम को करने के बाद आपको उसके नुकसानात क्या हैं, इसके लिए आपके नुकसानात की लिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। वो सारे नुकसानात आपको मिल रहे हैं, आप खुद को दर्द में महसूस करें, आप खुद को उस तकलीफ में महसूस कर रहे हैं, अगर आप जना करेंगे तो क्या सजा है उसकी, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप नस्वार खाएंगे तो नस्वार के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं उसके, वो आपको पता होना चाहिए। सिगरेट के कौन से हैं, गंदी बातों के कौन से हैं, गंदी फिल्मों के कौन से हैं, खुद लज्जती के कौन से हैं, ये सारे आप देखें कि ये सब फ्यूचर में मेरे साथ होने वाला है अगर मैंने अभी अकल नहीं की तो। दिन में 1 से 2 बार ये विजुलाइजेशंस करें, अब आप थोड़ा सा डर जाएंगे, आंखें खोलें आप देखें आपके अंदर एक डर का लेवल होगा, आप तौबा कर लेंगे। ये तौबा वक्ती है दोस्त, ये वक्ती है, याद रखना। जब तक इसको रेगुलरली नहीं करोगे, जब तक इसको डेली बेसिस पे नहीं करोगे, अपने अंदर जब तक इस चीज को अपने अंदर नहीं जाने दोगे, इसको अपनी आदतों में नहीं जाने दोगे, मोटिवेशन विल पावर एक हद तक काम करते हैं, उसके बाद जो चीज आपकी सही रेगुलरली बेसिस पे चलती है वो आपकी आदत होती है। आप जिस तरह की आदत अपनी बना लेंगे माइंड को इजी होगा वो काम करना। तो
अपनी आदत बना लें कि जब जो बुरा काम कर रहे हैं उसके बाद आपको आफ्टर इफेक्ट्स उसके क्या मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स आपको क्या मिलेंगे, ये कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। आई होप सो कि अगर आप इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो आप कोई भी बुरी आदत विद इन अ डेज क्विट कर सकते हैं, विद इन अ डेज। और ये वो चीज़ नहीं है कि ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये बहुत से लोगों पे इम्प्लीमेंट की है, अपने आप पे की है, लोगों पे की है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो का अहतमाम यहीं करते हैं, बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर ये वीडियोज़ आप शेयर कर सकें, अगर नहीं कर सके तो कोई बात नहीं यार, होता है, कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Thank for watching.